काश मैं अभी कुछ स्वादिष्ट खा पाती। यह पास्ता मेरे लिए एकदम सही नाश्ता रहेगा। यह मेरा सिग्नेचर डिश है। यह आसान होगा। पास्ता? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। सबसे पहले तुम्हें स्पैगेटी पकाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस दूसरों के बाद दोहराऊंगा। कुछ तो काम करेगा। मुझे शायद रस्सी की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। ओ नहीं, यह किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है बर्तन में। इसे तोड़ना होगा। दादी को देखो टेडी, वो जानती है कि इसे कैसे पकाना है। हम स्पैगेटी को पानी में डालते हैं और तब तक इंतजार करें जब तक ये गर्म ना हो जाए। और वाला, आसानी से सॉस पैन में सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही निकला। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। प्रोफेशनल अलग तरह से खाना बनाते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। केट, तुम हमें अपनी चाल से सरप्राइज नहीं कर सकती। हम उस बारे में देखेंगे। हमें असली पास्ता खुद पकाने की जरूरत है, एकदम शुरुआत से। इसके लिए मुझे आटा और अंडे चाहिए। और अब हम सब कुछ ठीक से मिलाते हैं। मुझे यह पसंद है, यह बहुत रिलैक्सिंग है। बस इतना ही। आटा तैयार है, इसे रोल करने का समय है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह कर सकती हूँ। मेरा पास्ता तैयार है, इसे उबालने का समय है। अधिकांश काम पहले ही हो चुका है। अब मैं झींगा को तैयार करूंगी। मुझे यकीन है जेस को यह पसंद आएगा। बेलिसिमो। पास्ता में सबसे स्वादिष्ट होता है यह चीज। तुम क्या कर रहे हो टेड? पास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वे अटक गए हैं। ओह नहीं, यह किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस विचार को छोड़ने का समय है। मुझे दूसरा विकल्प तलाशना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, इसकी जगह मैं गम ले लूंगा। चलो कल्पना करें कि मीठा पास्ता है। मैं इसे चॉकलेट सॉस से सजाऊंगा। सुपर, मैं खुद इस स्वादिष्ट डिश को खाना चाहूंगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, झींगा। मैं इसे खाना चाहूंगी, ये स्वादिष्ट लग रहा है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। यह अच्छा है, पर कोई खास नहीं। ओह, यह बहुत चीज है, मुझे वह पसंद है। लेकिन पास्ता एक साथ चिपक गया है। हालांकि इसके अपने फायदा है, आप तुरंत सब कुछ अपने मुंह में डाल सकते हैं। वाह, यह गम है, कूल। मैं सुबह से शाम तक इस स्वादिष्ट डिश को खाने के लिए तैयार हूँ। विजेता स्पष्ट है। और यह मीठा पास्ता डिश है। वाह, मैंने ये किया। मैं अगले डिश के लिए तैयार हूँ। थोड़ा धैर्य रखो टेड, अगली डिश पहले से ही तस्वीर में है। हॉट डॉग, यह आसान है। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या सॉसेज को तला जाना चाहिए? मुझे लगा कि उन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है। टेड, तुम बहुत बुद्धू हो। हम कच्चे सॉसेज को नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे नए नियमों से भी खेलना होगा। मैं यह तेल ले लेता हूँ, अगर तुम्हें आपत्ति नहीं हो। और यह यहाँ क्यों है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस पैन में सारा तेल डाला और आपका काम हो गया। और अब मैं इसे फुल स्पीड में चालू करता हूँ। डर है कि मुझे कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खैर, तेल गर्म हो गया है, तलने का समय है। ऐसा मत करो टेड। ओह, यह क्या हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह लो। ओह, बस हो गया, मुझे फ्राइंग पैन से छुटकारा मिला। यह तो मेरी जान ही ले लेता। ओह ठीक है, सब ठीक है। अगली बार कुछ करने से पहले पूछ जरूर लेना। ओह, क्या खुशबू है। ओह, बिल्कुल सही भुना हुआ। इस सॉसेस को सीधे बन में भेजने का समय आ गया है। अब इसमें मस्टर्ड डालना ही बचा है। और यह तैयार हो गया। ओह, कितना तीखा है, बस यही चाहिए। यह बिल्कुल सही लग रहा है। टेड, क्या चल रहा है? मैंने गैस बर्नर के साथ सॉसेस तलने का फैसला किया है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना? ओह, कितना दिखावा करता है। तुम्हें किचन में जाने कौन देता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस देखो और सीखो। सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी। यह सब कुछ एकदम आसान है। आटा, अंडे और दूध, और इन सबको अच्छे से मिलाना है। सुपर, ऐसा ही मुझे चाहिए। अब मैं एक स्क्वीबर पर सॉसेज और चीज को लगाती हूँ।
एकदम सही, मुझे पहले से ही ये पसंद है। मैं एक छोटे सॉस पैन में डीप फ्राइंग तेल डालूंगी और इसमें मैं अपने हॉट डॉग को फ्राई करूंगी। बहुत कम बचा है, मैं सॉसेज और चीज को आटे में डिप करूंगी और उन्हें चिप्स में रोल करती हूँ। इससे खस्ता क्रश निकल आएगा। मैं इसे तेल में डुबोती हूँ और हॉट डॉग के तलने का इंतजार करती हूँ। तैयार, देखो और जलो। अंत में मैं सॉस जोड़ूंगी, केचप और मस्टर्ड। केट, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे, मैंने अभी तक नहीं किया है, मुझे और अधिक सॉस डालना होगा। अब यह बहुत अच्छा दिख रहा है। माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे कुछ चुनना होगा। तो इस बार क्या है? यह किसी तरह की गड़बड़ है, यह घिनौना लग रहा है, लेकिन यह काफी अच्छा है। मुझे सच में इसका स्वाद पसंद आया। यह सामान्य है, डो अच्छा है पर फीलिंग काफी नहीं है। तीसरा विकल्प देखना बचा है। ओह, क्या क्रस्ट है, मुझे ये पसंद है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। पहले नजर में ये अच्छा लग रहा है। दिव्य, ये सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई है। मुबारक हो। हुर्रे, जैस को मेरी डिश पसंद आई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें इतनी सब्जियां और फल क्यों चाहिए। यह आसान है टेड, तुम्हें एक स्मूदी बनानी होगी। आगे बढ़ो, इसके लिए मेज पर बहुत सारी चीजें हैं। मुझे यकीन है कि मैं सबसे अच्छी स्मूदी बनाऊंगी। हम उस बारे में देखेंगे। मैं पहले ही एक बार जीत चुका हूँ, यह सफलता दोहराने का समय है। मुझे यहाँ आने वाली सभी कैंडी की आवश्यकता होगी। जैसे उनका विरोध नहीं कर पाएगी, तुम देखना। चॉकलेट बार, गमीज, कैंडीज, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? और अब मैं इसमें सोडा डालूंगा, एक असली मीठा बम होगा। ए, बटन कहाँ है? अब बस इन सबको आपस में मिलाना रह गया है। चलो चलते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि इतनी सारी कैंडी खाना सुरक्षित है, पर दूसरी तरफ मैं कुछ अच्छा और पौष्टिक बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सब्जियों की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा सब्जियाँ। कितना सुगंधित प्याज है, बस प्यारा। वाह, खीरे इतने क्रंची है। ओह, मैं टमाटर के बारे में लगभग भूल गई, वे मिठास देंगे। मैं ब्लेंडर में सब कुछ ठीक से दबा दूंगी। बढ़िया है। और अंत में मैं कुछ ग्रीन जोड़ूंगी। मेरा पौष्टिक स्मूदी लगभग तैयार है। बस एक घूंट और जैस खुश हो जाएगी, तुम देखना। कितना घिनौना। मुझे ऐसे ड्रिंक के स्वाद की कल्पना करने से भी डर लगता है। मुझे जैस पर दया आ रही है। मैं उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। मैं एक तरबूज लूंगी, यह सब कुछ का आधार बन जाएगा। मैंने ऊपरी भाग काट दिया है और एक ब्लेंडर ले लिया है और इसे हाई स्पीड पर चालू कर दिया है। अब मैं इस तरबूज को एक कटोरे के रूप में उपयोग करूंगी और अब मैं इसमें कीवी और अन्य फल डालूंगी और अब इसमें नारियल का पानी डालूंगी। यह बहुत अच्छा है। अब बस इसमें स्ट्रॉ डालूंगी और तुम इसे पी सकती हो। क्या तुम्हें यह पसंद है? जैस, हम सब तैयार है, अब तुम्हें अपनी पसंद बतानी है। मुझे स्मूदी दे दो। वहाँ हवे कितने अलग है, वे एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। पता नहीं इसमें यहाँ क्या है, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि मैं कहूँगी कि घिनौना। ये बहुत मीठा है, मुझे ये पसंद नहीं है। और ये सामान मुझे डरा रहा है, इसका रंग भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसे तो चखने में भी डर लग रहा है। मैं तो बस उल्टी करने वाली थी। पर यह आखिरी वाला अच्छा लग रहा है, खासकर दूसरों की तुलना में। मैं इसे करीब से देखूंगी। वाह, मेरा नाम यहाँ लिखा गया है, कितना प्यारा है। हाँ, स्वाद ने मुझे निराश नहीं किया। बढ़िया, यह ड्रिंक जीत गया, मुझे और चाहिए। ओह, मैं फिर से, वाह। क्या यह बस सादा केक है? तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो टेडी, इस बार यह सब ठीक है, मुझे एक केक चाहिए। केक एकदम आसान है। मैं अपने सिग्नेचर डिश के रेसिपी को अपनाऊंगी। पहला कदम फ्रॉस्टिंग तैयार करना है। मैं अंडे तोड़ती हूँ और केवल व्हाइट्स को छोड़ देती हूँ, हमें योग की जरूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से मिलाकर फोम बनाऊंगी और मीठे के लिए थोड़ी चीनी डालूंगी। अब इसे थोड़ा और दिलचस्प करना है और इसके लिए मैं बिस्क का उपयोग करूंगी। अब यह एकदम सही लग रहा है, यह पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ केक को कवर करने का समय है, यह पूरी तरह से फिट बैठता है। यह थोड़ा टेढ़ा निकला, लेकिन यह भी और भी प्यारा है, मुझे यह पसंद है। अब मैं इस ऊपरी भाग पर पूरी तरह से क्रीम लगाऊंगी, नहीं तो यह अधूरा लगेगा।
ओह ये कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इस पर थोड़ी स्प्रिंकल्स डालूंगी और आखिर में एकदम ताजा सुगंधित स्ट्रॉबेरी एकदम सीधे बगीचे से। वाह दादी बुरा नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है टेड। ठीक है मैं अपने केक को तैयार करता हूँ, यह अच्छा रहेगा। गमी बेयर और चॉकलेट सॉस, इस कॉम्बिनेशन ने मुझे शुरुआत में ही जीतने में मदद की है और यह अब मेरी मदद करेगा। मैं एक और केक के साथ ऊपर से इसे कवर करूंगा और फिर बेरी सॉस डालूंगा। मुझे लगता है कि सुपर होगा और अब बाकी किसी भी कमी को यह कैंडी पूरा करेगी। अच्छा किया। और केक क्या करती है? केक फिर से कुछ अजीब कर रही है। जितना चाहो तुम हंस लो, चलो देखती हूँ जब मेरा डिजर्ट तैयार हो जाएगा तब तुम क्या करोगे। सबसे पहले मुझे कार्मेल बनाने की जरूरत है। मैं तुम्हें जल्दी एक ट्रिक दिखाऊंगी, मैं वादा करती हूँ तुम चकित होगे। मैं तैयार कार्मेल को पानी से भरे गुब्बारे पर डालूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसे काट दूंगी। तैयार, डिजर्ट के लिए खाने योग्य कटोरा तैयार है। तुम्हें यह कैसा लगा? अब फनी नहीं ना? अब यहाँ स्पंज केक और व्हिप क्रीम जोड़ूंगी। अपनी सादगी के बावजूद ये बहुत स्वादिष्ट होगा। देखो क्रीम कितनी स्वादिष्ट रूप से बह रही है। मैं शायद ही अपने आप को रोक सकती हूँ। रंग के लिए मैं स्ट्रॉबेरी टॉपिंग और स्प्रिंकल्स जोड़ूंगी। बस हो गया। वाह यह वास्तव में बहुत अच्छा है केक। हम देखेंगे कि कौन जीतता है। इतने सारे केक, मेरी आंखें भाग रही हैं। मैंने शुरू से ही इसी का सपना देखा था। पहले इस छोटे केक को खाती हूँ, ये बहुत प्यारा है। लेकिन मेरी राय में बहुत अधिक क्रीम है। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ, ये एकदम सही है। पता नहीं ये बड़ा केक छोटे से टक्कर ले पाएगा या नहीं। वैसे वो मुझे कुछ याद दिला रहा है। समझ गई, ये दादी का स्टाइल है। मुझे लगता है मैं लालची हो गई और बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया, लेकिन ये इसके लायक है, स्वादिष्ट। मेरे पास प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है, मुझे इसे तुरंत अपने मुँह में डालने की जरूरत है। खैर चलो आखिरी केक पर उतरे, वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है। ऊपर कैंडी, यह ओरिजिनल है। वाह और यह काम करता है, ये स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता कि क्या चुनना है, सभी केक अपने तरीके से अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दादी का केक पसंद आया। मुझे पता था, धन्यवाद मेरी बच्ची, बधाई हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है, मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान, मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी सो मत, चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे, अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिना तेल के कैसा फ्राइड एग। ओह यह निकल क्यों नहीं रहा है, बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। टेड अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो एक और। हाँ दोनों लगभग मिल गए है ना। यह लोग किसी काम के नहीं है, मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। आ,
देख क्या हो रहा है। ओह कितना गर्म, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या करूँ, बचाओ, मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए, तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ, मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है, अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहां से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है, मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है, बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी तुम जीत गई, तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई, हा हा, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा, फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता, मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है, ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा, लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना, तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं है, और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं? बिना कटलेट के बर्गर क्या, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। आह, बेकार प्याज, किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए। ओह अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो, लो ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार, बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है, बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है, इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है, मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है, देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है, क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है, इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है, यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है।
स्वादिष्ट, लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए, मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है, क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र यह देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ, मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास यह फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी, तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो ना, मैं जीनियस। मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तो मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। क्या महक रहा है? मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और यह जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और यह तुम लो। खाना पकाने का समय है, मुझे सरप्राइज करो। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स और हम क्या पका रहे हैं? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। आज मुझे एक बड़ा सुंदर केक चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ, मुझे खुश करो। केक कितना कूल, यह बहुत आसान है। क्या तुमने केक कहा? फिर मुझे आटा चाहिए। मैं इसे और सुविधाजनक बनाने के लिए इसे गहरी डिश में लूंगी। फिर मैं थोड़ा दूध मिलाऊंगी। केक की रेसिपी मेरे सिर में है, मुझे सभी आवश्यक सामग्री पूरी तरह से याद है। कोई भी विस्क इस केक को प्यार से पोषण नहीं दे सकता है, केवल दादी के हाथ। इसलिए मैं हमेशा हाथ से आटा गूंथती हूँ, ये महत्वपूर्ण है। क्या समय की बर्बादी है, हमेशा एक आसान विकल्प होता है। केक की तैयार परतें पहले से ही मुझे बहुत समय बचाएंगी। यह क्या है? मैं इसे देखना नहीं चाहती। मेरा केक सबसे अच्छा होगा क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं आटा में कुछ रंग जोड़ूंगी। यह एक उज्जवल लड़की के लिए उज्जवल केक होगा। यह बहुत अच्छी तरह से निकला है।
इसे करने का यही तरीका है। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करूँगी। तो मैं पीनट बटर जोड़ूंगी। और बेहतर, मुझे पीनट बटर बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब अगली लेयर। और जैस सिर्फ अपनी उंगलियां चाटेंगी, मैं कम से कम इसे अब खुद खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। बस करो, तुम अपनी बहन के लिए केक बना रही हो। और मैं स्ट्रॉबेरी जैम डालूंगी, जिसे मैंने खुद तैयार किया है। वह निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। बस जार खोलना है। इस जैम की सुगंध स्वादिष्ट है। मैं पूरा जार डाल दूंगी। इसे बेहतर करना मुश्किल होगा। मेरे पास सबसे अच्छा पाई होगा। आवश्यक डिटेल्स जोड़ूंगी, कुछ स्ट्राइप्स लगाऊंगी। जब यह सब भूरा हो जाएगा तो पाई तैयार हो जाएगा। वाह, यह बहुत बड़ा है। एक महत्वपूर्ण डिटेल, अब हमें सावधानी से क्रीम लगाना होगा। मैं पेस्ट्री बैग के साथ ऐसे लेयर्स बनाती हूँ। केक इतना उज्जवल और सुंदर निकला। अब अगला स्टेप, इसे सावधानी से करना बहुत जरूरी है ताकि केक उतना ही सुंदर बना रहे। मुझे लगता है कि क्रीम के साथ सब कुछ तैयार है। आखिरी स्टेप सजावट है। मैं एक सजावट बनाना चाहती हूँ जो इस केक में पूरी तरह से मेल खाएगी। यह उतना ही रंगीन होगा जितना वह है। यह सब सेट है। परफेक्ट इंद्रधनुष। मैं उसे सबसे ऊपर रखूंगी। बिल्कुल सही। मैं केक को रंगीन चॉकलेट से सजाऊंगी। मैं तारे लगाऊंगी, उन्हें यहाँ रखूंगी। ये बहुत अच्छा निकला। अब सिर्फ इंद्रधनुष में बादलों को जोड़ना बचा है और मेरा केक एकदम सही है। अरे, दादी कहाँ गई? क्या, कहाँ, कौन? ओह हाँ, मेरी पाई। कितनी अच्छी सुगंध है। बस एक अद्भुत पाई बना है। मुझे भी यह केक चाहिए। मेरा इतना बुरा लग रहा है। दादी भी मुझसे बेहतर है। मेरे पास एक आइडिया है। रंग जोड़ने के लिए मुझे रंगीन कैंडीज चाहिए, तो यह बहुत सुंदर हो जाएगा। जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा। तुम्हारे लिए अच्छा है केक। तुम लोगों का मेरे साथ कोई तुलना नहीं है। ओह, बुरा नहीं है, ये बहुत प्यारा है। चलो उसके साथ शुरू करते हैं। अब मैं स्वादिष्ट केक खाने जा रही हूँ। हम ध्यान से और सावधानी से काटते हैं। यह हुई ना बात, मैं कितनी अच्छी हूँ। वाह, कितना मीठा है। ये मेरे मुंह में पिघल जा रहा है। कमाल है। मैं हर आखिरी टुकड़ा खा लेना चाहती हूँ। मैं एक बादल को भी खाना चाहती हूँ। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब अगले केक की बारी है। वाह, ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं एक पीस खाकर देखती हूँ। कितना सुंदर और मीठा, रसदार। बेरी का स्वाद सिर्फ अविश्वसनीय है। मैं इसे खाना चाहती हूँ और खाते रहना चाहती हूँ। लेकिन यह, मैं कैंडी खा सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट है। चलो खाकर देखती हूँ। स्वादिष्ट है। चलो और खाती हूँ। यह मुंह में बहुत चिपचिपा हो रहा है। मुझे कुछ पीना पड़ेगा। अब बेहतर है। मैं अब और इसे नहीं खाना चाहती। अच्छा, अब मुझे चुनना होगा। जाहिर है इंद्रधनुष केक सबसे स्वादिष्ट है। किसका? मेरा। ओह चलो, तुम मेरी चापलूसी करो। अगली बार जीत मेरी होगी, तुम देखोगी। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। बातें करना बंद करो। अच्छा होगा कि जल्द से जल्द स्पाइडरमैन के रूप में पैनकेक पकाना शुरू करो। अच्छा अच्छा, बस हमें मत छुओ। मैं पैनकेक बनाना शुरू करती हूँ। पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगी, फिर उसमें आंखें। अरे नहीं, मुझे मकड़ियों से नफरत है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ओह, लगता है मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। ओह, चोट लग गई। और ये मकड़ियां बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ खिलौने हैं। तो तुम जैक, तुम्हें मुझे गाल पर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अब तुम यह लो। दर्द होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें इस दौर में दिखाऊंगा।
हैमस्टर नहीं, ये बटन नहीं। ओह, अब मैं पूरा गंदा हो गया हूँ। और सबसे बुरी बात यह है कि मेरा पैनकेक बर्बाद हो गया है। ओह, शायद यह ब्रश मुझे एक्स्ट्रा से छुटकारा पाने में मदद करेगा। चलो कोशिश करता हूँ, जल्दी देखता हूँ। यह ठीक से हो नहीं रहा है, लेकिन मैं एक पैनकेक बनाने में कामयाब रही। देखो यह कितना अच्छा निकला। हैमस्टर तुम्हारे बात से सहमत है, अगर मैं डिस्टर्ब नहीं होता तो मैं भी सब कुछ कर लेता। देखो, देख लो, स्पाइडरमैन का चेहरा लगभग तैयार हो चुका है। नहीं, हैमस्टर को स्पष्ट रूप से यह भयानक चीज पसंद नहीं आया। होस्ट ने घोषणा की कि मैरी विजेता है, मुबारक हो। बेशक, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जैक की तुलना में बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अपने को बचा सकते हो तो बचाओ, यह लो। इस बार तुम्हारा टास्क हगी वगी का चेहरा बनाना है। कम से कम इस बार मुझे गलती नहीं करनी चाहिए। अच्छा लग रहा है। अरे, ये किस तरह की छींटे हैं? मैरी, तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझ पर चिल्लाना बंद करो। जैक, मुझे छूना बंद करो, मुझे परेशान मत करो। मॉन्स्टर, मैं तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। यह तुम लो, और यह। मैरी, यह काफी है, तुम उसे मार डालोगी। बस करो। तैयार। हाँ, मैंने अपने लिए असली हगी वगी का सिर बनाया है, और अब मेरे लिए ऐसा पैनकेक बनाना बहुत आसान होगा। बनाती हूँ। ओह नहीं, डोनट नहीं। ओह वाह, क्या सटीक निशाना है। हाँ, लगता है हमारा समय खत्म हो गया है, और मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया, हैमस्टर को भी यह पसंद आया। मेरा हाथ, मैं अपने हाथ का स्टेक बनाना नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि जैक ने फिर से कुछ नहीं किया है, तो हैमस्टर मैरी को विजेता घोषित करता है। मुबारक हो। इसमें मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे पता था कि मैं फिर से जीतने जा रही हूँ। इस बार मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। हम तुम्हारी पोर्ट्रेट बनाएंगे। ऐसा मजाक अच्छा नहीं है। हैमस्टर कहता है कि शुरू करने का समय है। हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। उफ, मेरी आंखें सीधी नहीं बन रही है। मैरी, मुझे अपना काम दिखाओ। उफ, क्या कर रहे हो, मुझे परेशान मत करो। देखो तुमने क्या किया है, तुम्हारी वजह से मेरे बालों में आग लग गई है। बचाओ, मुझे बचाओ। जबकि मेरी फर्श पर पड़ी है, मैं सही पूप ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। मैरी, लगता है तुम्हारे बाल जल गए हैं। ओह हाँ, सच में ये जल गए हैं। यह कैसी आवाज है। ये पट्टियाँ कहाँ से आई, बचाओ। पट्टियाँ, ये सिर्फ साधारण टॉयलेट पेपर है। मैरी, देखो मैं एक मामी हूँ। अब तुम्हें मुझे कोई नहीं बचा सकता। यह लो तुम, ये तुम्हारे लिए है। क्या अब तुम मुझे अकेला छोड़ोगे। उफ, लगता है मेरा पैनकेक मिक्स खत्म हो गया है। हाँ, मुझे जैक से पैनकेक उधार लेना होगा। रुको, नहीं, यह मेरा है। वाह, देखो मुझे आखिरकार एक सुंदर पैनकेक मिला है। हैमस्टर बहुत खुश है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, यह ऐसा, मैं उलझन में हूँ। हैमस्टर को लगता है कि यह बेकार है। इस राउंड का विजेता जैक है। ये मुझे पता था,
आखिर मैं इतना स्मार्ट जू। इस बार हमें किस तरह का पैनकेक पकाना चाहिए? वाह, मुझे स्पॉन्ज बॉब पसंद है। समय निकल रहा है, शुरू करना चाहिए। मैरी, मुझे देखने दो कि तुम कैसे ड्रॉ कर रही हो। इधर मत झांको, अब तुम यह लो। तुम कितनी बदमाश हो। क्या हुआ? मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ। मैं कैसे खाना बनाऊँ? जैक, तुम कहाँ हो? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं कहाँ हूँ? बचाओ, मदद करो। मैरी, सावधान रहो। उप्स, वह तो गिर पड़ी। लेकिन यह मुझे एक अच्छा पैनकेक बनाने से नहीं रोक सकता। हैमस्टर को लगता है कि जैक को अंडे की जरूरत है। आह, चोट लग रही है। बचाओ, मुझे अंडे की जरूरत नहीं है। वे मेरे पैनकेक को बर्बाद कर देंगे। ओह, दर्द हो रहा है। नहीं करो। मुझे अपने स्पॉन्ज बॉब को बचाने की जरूरत है, तुरंत। ओह नहीं, ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन मैं कामयाब रहा। देखो कितना सुंदर है। और वास्तव में यह अच्छा निकला। मैरी कहाँ है? हुर्रे! पता नहीं वह कहाँ है, वह कहीं भाग गई। शायद तुम्हें वह मिल जाए। अच्छा, एक मिनट। यह रही, मुझे वह मिल गई। उसके पास कुछ भी पकाने का समय नहीं था। हमारे हैमस्टर को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। कितना भयानक, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मैं कुछ देख नहीं पा रही थी, मैं कितनी थक गई हूँ। विजेता खुद ही बाहर आ गया। जैक को बधाई। ओह हाँ, यह मैं हूँ। इस बार आपको स्क्विड गेम मास्क के रूप में पैनकेक बनाना होगा। समय शुरू हो गया है, तो जल्दी करो। जैक, तुम देखना, मैं तुम्हें हरा कर ही दम लूंगी। वह तो हम देखेंगे। मैं अब शुरू करता हूँ। ओह, तुम्हारा लगभग हो गया। मुझे मैरी को जीतने से रोकना होगा। और अब सब कुछ सही है। अब बस थोड़ा लाल रंग लगाना बचा है। अरे, ऐसा कैसे? ये किसने किया? जैक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जैक, अब तो तुम देखना मैं क्या करती हूँ। जैक, तुम कहाँ हो? और मुझे क्या करना चाहिए? ओह, अब तुम्हारा काम मेरा है। अरे नहीं, ऐसा कैसे? मैं निश्चित रूप से इस भयानक चीज को नहीं बचा पाऊंगा। मैं कैसे जीत सकता हूँ? वाह, मान जाओ कि तुम हार चुके हो। हाँ, अब यह ठीक है सब। यह कोला कहाँ से आया? मैं पूरी तरह से चिपचिपी हूँ। हमें सोडा पैनकेक को जल्द से जल्द पहुँचना होगा। चलो मैं जल्दी से पहुँचती हूँ। अरे नहीं, पैनकेक के साथ तुम्हारा व्यवहार हैमस्टर को पसंद नहीं आया। मैंने इसे बनाया, देखो यह कितना अच्छा निकला। हाँ। और सच में जैक, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। इस दौर में विजेता बन जाता है जैक। मुझे यह पहले से ही पता है, यह सही नहीं है। जैक, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, और यहाँ यह नहीं है। कहाँ से शुरू करूँ? हम पिज्जा से शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि सब इसे बनाना जानते होंगे। अच्छी चॉइस है। मैं लंबे समय से एक इटालियन रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ, इसलिए मैं आसानी से एक बढ़िया पिज्जा बना सकती हूँ। सबसे जरूरी है अच्छी तरह से आटा गूंदना। चलो मैं दिखाती हूँ कि इसे कैसे किया जाता है। इस तरह से अच्छे से मिलाना है, इस तरह से। देखो, ये अच्छा से हो गया है। आटा,
पिज्जा का पूरा स्वाद सॉस में होता है। ओह, बेसक चीज के बारे में नहीं भूलना चाहिए। हाँ, ये अच्छा है। मैं थोड़ी थक रही हूँ। यह इतना मुश्किल क्यों है? मुझे बस पेपरोनी और चीज को काटना होगा। और तड़ाम, पिज्जा तैयार है। मैं दादी से सहमत हूँ, सॉस बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर मैं खुद सॉस बनाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। जरा देखो मेरा टमाटर का पेस्ट कितना स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, अब मैं समझ गई हूँ कि सॉस कैसे बनाते हैं। बस एक ब्लेंडर में टमाटर पीसना है। ओह, मैं ढक्कन के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लेकिन सॉस खुद ही पिज्जा पर लग गया। मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। मेरा भी। अब केवल इसे बेक करना है। हमें पिज्जा की सजावट को नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद मुझे भी केवल इसे बेक करना है। तड़ाम, सब कुछ तैयार है। अब बस मेरा आखिरी टच। देखो एक असली पिज्जा कैसा दिखता है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे खुद से इसकी उम्मीद नहीं थी। केट, इसे चखने का समय आ गया है। आखिरकार मैं स्वादिष्ट खाना खा सकती हूँ। पर यह क्या है? पेपरोनी के इतने बड़े टुकड़े क्यों है? नहीं, मैं इस भयानक चीज को नहीं खाऊंगी। यह खराब लग रहा है। वाह, लेकिन यह दोनों पिज्जा बहुत अच्छे लग रहे हैं। जरा देखो यह चीज कितना स्ट्रेची है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छा। चलो अब यह लास्ट टुकड़ा। यह भी बहुत अच्छा है। एकदम घर जैसा स्वाद। मुझे नहीं पता कौन सा चुनूं। मैं मजाक कर रही हूँ। शेफ बेटी का पिज्जा सबसे अच्छा था। हाँ, मुझे कोई शक नहीं था। मैंने कहा था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार हमें क्या बनाना है? मुझे स्वादिष्ट पैनकेक्स चाहिए। सबसे अच्छा डिजर्ट। यह आसान होगा बेटी। देखो और सीखो। मैं सीखूं? देखोगी और असली मास्टर से तो तुम सीखोगी। नहीं, तुम मुझे सिखाओगी। क्या तुम मेरे बारे में पूरी तरह से भूल गए हो? मुझे फिर से छोड़ दिया। तो चलो देखिए कि कौन सबसे अच्छा है। मैं दूध को ज्यादा सावधानी से संभालती हूँ। यह कुछ भी नहीं है। मैं सब कर सकती हूँ। ओह माय गॉड, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ क्या? ओप्स, यह काम नहीं किया। देखो अंडे कैसे तोड़ते हैं। मैं इसे एक असली निंजा की तरह कर रही हूँ। तो क्या, मैं तो एक असली पहलवान की तरह हूँ। अरे नहीं, मैं खुद को ऐसे नहीं मारने वाली हूँ। कटोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उप्स, मुझे लगता है तुमने मैदा बहुत ज्यादा डाल दिया है। वैसे भी मेरे पैनकेक्स बेहतर होने वाले हैं। मैं इसे एक स्पेशल ब्लेंडर से मिलाने जा रही हूँ। उसमें क्या बड़ी बात है, तुम्हारे पास हाथ क्यों है फिर? ओह, मुझे भी मैदा चाहिए। ओह, मिस हो गया। और मैं अपने हाथ से यह मिलाऊंगी। हाँ, सच में हाथ से मिलाना इतना आसान है।
और मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। बोरिंग, तुम्हारे पैनकेक्स का रंग बेकार है। पैनकेक्स को रंगीन और मजेदार क्यों नहीं बनाया जाए, जैसे कि हगी वगी पैनकेक्स। जरा देखो, पहले मैं आंख और मुंह से बनाऊंगी, फिर होठ और अब यह ब्लू फजी चेहरा। ओह, यह कितना डरावना है। मुझे सच में मेरे पैनकेक्स ज्यादा पसंद है। केवल मैपल सिरप और थोड़ा बटर डालना बचा है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। मैं बहुत थक गई हूँ। वाह, उन दोनों के तो तैयार है और बेटी के पैनकेक्स तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे जल्दी करना होगा। जैसा दिख रहा है वो मायने नहीं रखता। केट, मेरी बात मानो, मेरा पैनकेक सबसे स्वादिष्ट है। ठीक है, अब इसे चखने का समय है। जेस, यह क्या है? यह बहुत गंदा लग रहा है, तुमने वो जला दिया है। नहीं, मैं यह नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बीच के पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और स्वादिष्ट भी। ओह, कितना स्वादिष्ट है। मैंने ऐसे पैनकेक्स का सपना देखा है। और यह यहाँ क्या है? इतने अनोखे आइडियाज के लिए तो पॉइंट मिलना चाहिए। अब इसे चक कर देखती हूँ। इन पैनकेक्स का भी स्वाद कमाल का है, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जीतना किसे चाहिए। चलो इस बार दादी जीतती है। दादी, आपने बहुत स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाए हैं। ए, मैंने तुमसे कहा था कि पैनकेक्स बनाने की मास्टर मैं हूँ। इस बार मुझे एक बड़ा और स्वादिष्ट सैंडविच चाहिए। ओह, सैंडविच, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनाती हूँ। मुख्य बात है बहुत सारी सब्जियाँ डालना, इस तरह से ये ज्यादा पौष्टिक रहेगा। मैं सबसे पहले थोड़े प्याज काटूंगी, फिर टमाटर। ओह, टोस्ट तैयार है। इसका मतलब है कि तुम्हारा सैंडविच लगभग तैयार है। मेरी राय में ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मेरे पौष्टिक सैंडविच को। सब्जियाँ, उसकी क्या जरूरत है, वो बोरिंग होगा। मैं चॉकलेट सैंडविच बनाऊंगी और मार्शमेलो के बारे में नहीं भूलना चाहिए। और बेकार सलाद के पत्ते की जगह मीठी जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चॉकलेट और मार्शमेलोस तो कभी ज्यादा नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि मैंने अब तक का सबसे अच्छा सैंडविच तैयार किया है। एक साधारण सैंडविच तो सच में बहुत बोरिंग है। मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि असल में एक अच्छा सैंडविच क्या होता है। बस जरा इसे देखो। तुमने ऐसा सैंडविच तो पहले कभी नहीं देखा होगा। ये सुपर सैंडविच होगा। इस तरह से इसको सजाना है। केट को यह पक्का बहुत पसंद आएगा। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे यह भी नहीं पता कि कौन सा चुनूं।
मैं शुरू करूंगी शायद साधारण वाले के साथ। बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इतने सारे प्याज क्यों है? मुझे प्याज बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ओह, उसकी परवाह किसे है। ओह, मुझे श्रिम्प पसंद नहीं है। और ऑलिव्स भी। और प्याज का एक पूरा गुच्छा फिर से है। उफ, सारी चीजें जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। छी, इस सब में से मैं केवल हैम और चीज खाऊंगी। पर अगर सिर्फ ऐसी खाते हैं तो ये सैंडविच बहुत बोरिंग होगा। अच्छा नहीं है। ओह नहीं, ठीक है जैस, हो सकता है तुम जीत जाओ। जैस, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चॉकलेट पसंद है? ये कितना स्वादिष्ट है। जैस, बधाई हो, तुम इस बार जीत गई। आखिरकार ये। तुम्हें कामयाबी मिले। मुझे आशा है कि हम सभी स्वादिष्ट केक बनाएंगे। अब हम पता लगाएंगे। वाह, स्ट्रॉबेरी, बहुत बढ़िया। खेल अभी शुरू हुआ है और मैं पहले से ही बहुत भाग्यशाली हूँ। यह बर्फ के समान सफेद केक को लाल बेरी से सजाने का समय है। गंदगी मत फैलाओ। तुम हम पर हरे पत्ते क्यों फेंक रही हो? माफ करना, केक की वजह से मेरा ध्यान हट गया था। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सोच सकती। यार, यह कितना स्वादिष्ट है। मैं भी केक को जल्दी से खाना चाहती हूँ। पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। मछली? ये बहुत घटिया है। हाँ, वो तो पक्का है। महक पूरे कमरे में फैल चुकी है। मुझे समय पर गैस मास्क मिल गया। मैं इस घिनौनी चीज को कैसे खा सकती हूँ, अगर इसके पास रहना भी असंभव है। उससे क्या फर्क पड़ता है, मुँह के बाद जल्दी खाना है। यह नामुमकिन है। मुझ पर मत चिल्लाओ, मैं इतनी तेजी से कोशिश कर रही हूँ। लड़कियों, मुझे पकड़ो, मैं इसे और नहीं कर सकती। हमें इस गंदी चीज से तत्काल छुटकारा पाने की जरूरत है। हाँ दोस्तों, मैंने अपने जीवन में इससे बुरा कुछ भी नहीं खाया है। इस बकवास को निपटाने के लिए धन्यवाद। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं जल्द से जल्द बटन दबा सकूं। वाह, गमी वर्म्स। मैं कितनी लकी हूँ। मुझे उन्हें जल्दी से केक पर फैलाना होगा और इस स्वादिष्ट खाना को खाना होगा। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। उम्मीद भी मत करो। देखो, इतनी छोटी प्लेट में कितना बड़ा कीड़ा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं केक के लुक को खराब नहीं कर सकती, यह बदसूरत हो जाएगा। हमें बड़े कीड़े को टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। सूजी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं। खींचो, खींचो, और जोर से। इतने जोर से नहीं। ऐसा लगता है कि डेजी को अब केक की जरूरत नहीं, बल्कि एक डॉक्टर चाहिए।
तो आशा करती हूँ कि अगर मैं केक खाऊं तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस बार मैं सबसे पहले बटन दबाऊंगी। हुर्रे, चॉकलेट अंडा। कुछ मुझे बताता है कि केक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट होगा। मुझे इसे सजा कर रखने की जरूरत है और ताकि मैं जल्दी से खा सकूं। और इसके लिए मुझे सभी किंडर्स को जल्दी से सजाना होगा। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगी? हाँ, क्यों नहीं, पर तुमने अभी तक अपना खुद का बटन नहीं दबाया है। हो सकता है तुम्हें भी वहाँ कुछ स्वादिष्ट मिले। देखो, किंडर्स के अंदर एक सरप्राइज है। यह रंगीन स्प्रिंकल्स है, बहुत स्वादिष्ट। कैसा है, क्या यह केक स्वादिष्ट है? हाँ, बहुत। अब मैं इन स्प्रिंकल को केक पर कुछ बिखेर देना चाहती हूँ। इससे यह और भी खूबसूरत लगेगी और जाहिर है बहुत स्वादिष्ट भी। क्या यह स्वादिष्ट है? बहुत, तुम्हें पता भी नहीं कि कितना। आशा करती हूँ कि मैं भी किस्मत वाली निकलूं। वाह, स्ट्रॉबेरी जैम, मुझे ये पसंद है। वह निश्चित रूप से केक को कम सूखा और अधिक स्वादिष्ट बना सकता है। मुख्य बात है ये ज्यादा नहीं है, नहीं तो ये बहुत मीठा हो जाता। अब केक बहुत मीठा हो जाएगा। तो क्या ये बढ़िया नहीं है? दरअसल हाँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं इतनी परेशान क्यों हूँ। मैं भी जल्द से जल्द बटन दबाना चाहती हूँ। कोला, मेंटोस। मैं केक के साथ कोला और मेंटोस को कैसे मिला सकती हूँ? मैं इसे पानी नहीं दूंगी, नहीं तो ये निश्चित रूप से चारों ओर से भींग जाएगा। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। जब एक असली फाउंटेन बना सकते हैं तो इसे पानी क्यों दे? कोला, केक, मेंटोस, यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट फव्वारा होगा। बस सावधान रहो ताकि हम भींगे नहीं। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कितना छोटा सा फाउंटेन। हाँ, मैंने सोचा था कि और भी कुछ ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों, मुख्य बात यह है कि यह स्वादिष्ट था। वाह, कितनी खूबसूरत गुड़िया है और यह केक भी है। हाँ, यह सच में बहुत खूबसूरत है। मेरे पास भी एक गुलाबी गुड़िया है जो मुझे बहुत पसंद है। आओ देखें कि मुझे क्या स्वादिष्ट खाना मिलता है। ओ यार, मुझे मेरा फेवरेट बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम मिली है। ये एकदम सही कॉम्बिनेशन है। ये पूरी तरह से रंग से भी मेल खाते हैं। दोस्तों, अंत में मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अच्छा आइडिया, यह कमाल का है। मैं आइसक्रीम को पिघलाकर उस पर डाल दूंगी। हमें समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या करने वाली हो। स्प्रिंकल्स के साथ यह केक और भी स्वादिष्ट होगा। वाह, यह तो अच्छा आइडिया है। अब देखो, और इस तरह से मेरी राजकुमारी की ड्रेस अवास्तविक रूप से सुंदर हो जाएगी। लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ खा लूंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट दिख रहा है केट, मुझे भी वो चाहिए। क्या टॉक्सिक वेस्ट? ये बहुत खट्टी कैंडीज है।
हालांकि मैंने उन्हें कभी खाया नहीं है, इसलिए मैं गलत हो सकती हूँ। अरे नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, ये वास्तव में बहुत खट्टा है, मैं वो नहीं खाऊंगी। ओ हाँ, तुम्हें वह खाना होगा, यही नियम है। कल्पना करो कि यदि तुम इसे कैंडी से सजाती हो तो तुम्हारी गुड़िया की ड्रेस कितनी सुंदर होगी। ठीक है, तुम सही हो। मुझे आशा है कि केक भयानक खट्टेपन को कम कर सकती है। खाओ खाओ खाओ। नहीं, यह भयानक है। दोस्तों, यह असहनीय है। मैंने तुम्हारी बात क्यों सुनी? मुझे वो बकवास नहीं खाना चाहिए था। चलो देखते हैं मुझे क्या मिला है। आशा है कि कुछ स्वादिष्ट हो। अरे नहीं, ये मस्टर्ड नहीं, वो मेरा केक बर्बाद कर देगी। बिल्कुल, वो इसे तीखा कर देगी, ये तुम्हें पसंद आएगा। मैं कम से कम सुंदर पैटर्न बना सकती हूँ, तभी इतना बुरा नहीं होगा। और अब इसे खाने का समय है। कैसा है, स्वादिष्ट है ना? नहीं, ये बहुत ही बेकार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर सब कुछ जल रहा है। प्लीज मेरी मदद करो, नहीं तो मैं यहाँ सब जला दूंगी। चिंता मत करो, मेरे पास फ्रिज में बर्फ है, ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए, यह तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, इसने वास्तव में मदद की, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, फिर से गर्म। ठीक है, अच्छा हुआ कि तुम सारा बर्फ अपने ऊपर डाल लो। बस